हेलो फ्रेंड्स, मैं गोरेलाल सर आप लोगों के बीच आज एक नया टॉपिक के बारे में बताते जा रहे हैं। तो गाइज, आप लोग मेरे एजुकेशनल चैनल पर आप नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आप लोग को जब वीडियो अपने चैनल पर डालूं तो सबसे पहले मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आपको उस वीडियो को लाभ ले सकें। तो गाइज, अब हम लोग आज इम्पोर्टेंट बात करने वाले ये कि आपको हम लोग क्या करते हैं, केमिस्ट्री का एक क्लास स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का वो पॉइंट देखना है, वो टॉपिक देखना है जो कि इम्पोर्टेंट होता है, आपको ऑब्जेक्टिव में या दो नंबर में इस तरह से आपको पूछा जाता है। तो गाइज, यदि मैं जब वीडियो बनाऊँगा आप वॉच करने के बाद आप उसका फीडबैक दीजिएगा, क्वेश्चन मतलब कमेंट बॉक्स में आपको क्या देना है, मैसेज लिख देना है क्या, हाँ सर आप इस टॉपिक का थोड़ा और डिटेल से बता दीजिए तो मैं उसका डिटेल वीडियो बनाऊंगा। मैं इस तरह से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाए और दो नंबर का आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं, वो सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का मैं अभी वीडियो बनाऊंगा। यदि आपको लगे कि हमको इसको और थोड़ा और ज़्यादा सीखना है तो मैं उसका वीडियो क्या करेंगे, उसको और एक वीडियो और बना के डिटेल वीडियो में डाल दूंगा। तो गाइज, इसमें आपको केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आपको सबसे थोड़ा थोड़ा क्या है, जैसे हमको पढ़ना है क्या ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, या आपको निकालना है क्या उसका शेप कैसा होता है, आपको एक कोई यौगिक दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है इस तरह से, या हम IUPAC नाम निकालना बता सकते हैं, और इसी तरह बहुत छोटा छोटा पॉइंट है ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए आता है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सोचना नहीं गाइस, काहे कि केमिस्ट्री में रटने से कोई फ़ायदा नहीं है, काहे कि वहाँ क्या रहता है सॉल्व करने वाला चीज़ रहता है। इसलिए गाइस, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू जो रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को फिर शेयर कर दें ताकि उसको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो गाइज, हम लोग केमिस्ट्री का कल से वीडियो निश्चित हम लोग सॉल्व करेंगे। केमिस्ट्री का हर टॉपिक जो भी होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पार्ट वाइज थोड़ा थोड़ा जो जो इम्पोर्टेंट होता है हम लोग देखते जाएंगे। जैसे आप लोग का क्या होता है, आप लोग को जैसे देता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नेम कैसे निकालते हैं, या ऑर्गेनिक में आपको एक कंपाउंड दे दिया जाएगा उसका पूछेगा इसका IUPAC नेम क्या निकालता है, या आपको दे देगा क्या IUPAC नेम का आपको स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो उसको कहेगा क्या उसका नाम नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं, या नोमेनक्लेचर दिया रहेगा या उसका नाम ही दे देगा तो आपको स्ट्रक्चर कैसे बनाना है इस तरह से दिया जाता है, या आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा या एक सूत्र दिया रहेगा उस सूत्र में आपको कहेगा मतलब उस सूत्र में आपको पूछेगा पाई बॉन्ड की संख्या कितना है, सिग्मा बॉन्ड की संख्या क्या है, या लोन पेयरों की संख्या कितना है, या कोई एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसका मतलब एक सेंट्रल एटम होता है उस सेंट्रल एटम का पूछ देगा इसका क्या प्रसंकरण क्या होता है, प्रसंकरण मतलब जैसे sp2 sp sp3 sp3d इस तरह से होता है, ये कैसे निकालते हैं उसको मैं डिटेल से बताऊँगा। इसलिए गाइस, आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि केमिस्ट्री थोड़ा बच्चा को थोड़ा सिखाता है क्या, केमिस्ट्री हम लोग को उतना समझ में नहीं आते हैं और वीडियो पर थोड़ा हिंदी मीडियम में सटीक नहीं मिलता है, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपको यहाँ से अच्छा लेवल का केमिस्ट्री का तैयारी भी करवाऊँगा, ताकि इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो डालूँगा ताकि यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि मैं इस वीडियो को फिर से क्या करना है, उसी को डिटेल से फिर से मैं पढ़ा दूँगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसी टॉपिक के साथ, केमिस्ट्री जो कि सबसे पहला वीडियो रहेगा, तो हम लोग स्टार्ट मतलब वेट करते हैं क्या आप लोग उस वीडियो में जुड़े, आप उसका फायदा लें और उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। गुड नाइट।